हमने पाँच से छः साल तक के बच्चों के लिए सुंदर से सॉक्स बनाए हैं अगर आप लोगों को बड़े बनाने हो, तो जो हमने ये रो बनाए हैं पाँच से दस रो के बीच में आप ये रो बढ़ा सकते हैं पाँच दस फंदे नीचे से बढ़ा सकते हैं अगर छोटे बनाने हो, तो पाँच से दस हम ये कम कर सकते हैं तो हमारे छोटे हो जाएंगे इस तरीके से आपको जिस एज के लिए भी बनाने हो, तो आप बना सकते हैं हमने किस तरीके से बनाए हैं यह हम आपको बताते हैं सिंपल से पांच फंदे हमने ये डाल लिए हैं अब इस तरीके से हम फंदे को बढ़ाएंगे सिलाई के ऊपर से एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं उल्टा उल्टा बीन रहे हैं शुरू में एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे इस तरीके से धागे को इस तरीके से ले रहे हैं सिलाई के ऊपर से यानी कि एक फंदा हमारा यहां पे बढ़ जा रहा है आप किसी दूसरे तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं पूरी लाइन हो गई है दोनों साइड से बढ़ाएंगे इस साइड से भी इस साइड से भी इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते हुए ऊपर को बीन लेंगे अब हमारे यहां पर तेईस फंदे हो गए हैं ट्वेंटी थ्री फंदे अब यहां से हम ऊन को दूसरा ऊन लगा रहे अब यहां से कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे अब ये तेईस फंदों को ऊपर को बीन लेंगे इस तरीके से धागे को भी इसी में दबा देंगे ये सिलाई बिन लेंगे एक इधर से दो लाइन हमने ये येलो कलर से बीन लिए है दो सिलाई यानी कि एक रो अब यहाँ से लाल से बिनेंगे अब इसी तरीके से ऊपर कोई इसे बिनते रहेंगे दो सिलाई लाल से बिनेंगे दो सिलाई पीले से बिनेंगे फिर दो सिलाई लाल से फिर दो सिलाई पीले से इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे हमने दो दो लाइन करके इतना बीन लिया है अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको और लम्बा करेंगे अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको जो हमने ये बनाए हैं इनको कम कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस रो हमने येल्लो से बना ली है और पच्चीस रो रेड से पचास रो ये हमारी हो गई है आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें पचपन साठ इस तरीके से कर सकते हैं छोटा बनाना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं अब यहाँ से हम पहला फंदा बिन लिया दो फंदे ले लिए दो का एक कर लिया अब इसे उल्टा उल्टा बिनेंगे अब हमारे पास सिर्फ तीन फंदे बचे हैं ये दो फंदों को साथ बिन लिया दो का एक कर लिया लास्ट का फंदा सिंगल बिन रखा है अब एक फंदा हमने यहाँ से कम कर लिया एक फंदा यहाँ से अब ये लाइन को हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे इसमें कोई भी फंदा हम नहीं घटाएंगे ये लाइन हमने बीन ली है अब इस लाइन में फिर उसी तरीके से करेंगे एक फंदा बीन लिया फिर दो का एक कर लिया बाकी ये फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेंगे लास्ट में जब ये तीन फंदे रह जाएंगे तो ये दो फंदों का एक कर लेंगे लास्ट के फंदे को सिंगल बीन लेंगे फिर उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे इसी तरीके से ये फंदों को हम घटाते हुए बीन लेंगे अब हमारे पास सिर्फ पांच फंदे बचे हैं पांच फंदे हमने शुरू में डाले थे और पांच फंदे हमारे यहाँ बच गए अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे दो फंदे बिन लिए पीछे वाले फंदे को इस तरीके से निकाल अभी धागे को हम यहां से कट कर देंगे ना धागा हमारा ये बचा है तो इसमें सुई डालेंगे अब इसे हम इस तरीके से इस तरीके से कर लेंगे तो यहां से पूरा यहां तक हम इसे जोड़ लेंगे आप किसी भी मेथड से इसे सिल सकते हैं इसी तरीके से हम यहां से यहां तक पूरा इसे बंद कर लेंगे फिर आपको बताते हैं हमने एक साइड से जोड़ लिया है अब इसको यहां से दूसरी साइड से जोड़ेंगे इस तरीके से इसे जोड़ते हुए ले आएंगे इतना हिस्सा हम इसको छोड़ देंगे अब यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे धागा हमने कट कर लिया है तरीके से हमारे सुंदर से सॉक्स तैयार हो गए हैं अब इसमें हम किसी भी तरीके से मोती लगा सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे सितारे भी लगा सकते हैं मोती भी लगा सकते हैं बटन भी लगा सकते हैं किसी भी तरीके से इसे सजा सकते हैं इस तरीके से हमने पूरे मोती लगा लिए हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें